हेलो फ्रेंड, वेल्कम टू द चैनल सॉल्यूशन। एक सिचुएशन के बारे में थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के बुक रिव्यू के कंटेंट के बारे में बात करेंगे। सपोज आपने पूरी मेहनत करके कोई ऐसी चीज बनाई जो अपने आप में यूनिक है, यानी कि इस तरह की चीजें आज से पहले किसी ने नहीं बनाया और आप उस पर मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन एक दिन जब आप सो करके उठते हैं या कुछ ऐसे काम करने के बाद वापस से इस जानकारी वाले फील्ड में आते हैं और आपको पता चलता है कि जिस काम को आप इतनी मेहनत से कितने सालों से कर रहे थे वो तो किसी और ने चुरा लिया। अब वो अपने नाम से उसको पेटेंट करा चुका है या पब्लिश करा चुका है। फिर सोचिए उस दिन आपके साथ कैसा सिचुएशन जनरेट होगा और आपको कैसा फील होगा। इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने आप में यूनिक है तो उसका आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है। यानी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो पूरी ऑथेंटिसिटी, पूरा जो एक प्राइड मोमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। वैसे कई एग्जाम्पल हैं, अगर आप हमारा ही एग्जाम्पल ले लो तो जो यूट्यूब में हम वीडियो अपलोड करते हैं पूरी मेहनत से उसको अपलोड करते हैं, आप लोग देखते हैं, कुछ लोग उनमें से उसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद नाम को चेंज करके अपने चैनल पे री अपलोड कर देते हैं। अगर ऐसा होता रहे, हम वीडियो बनाते रहे, सिंपली सामने वाले क्लिक करके डाउनलोड करें और री अपलोड करें, कुछ मेहनत ना करना पड़े, तो ये हमारे साथ तो दिक्कत की बात है। तो हमारे पास एक कॉपीराइट टूल है जिसमें हम उसको क्लेम कर सकते हैं कि उसने हमारे वीडियो को चोरी किया हुआ है, और पूरी ऑथेंटिसिटी तो यूट्यूब के पास होता ही होता है। तो इससे क्या होगा कि उसका चैनल ब्लॉक हो जाएगा और इस तरीके से हम अपने कंटेंट की, अपने मेहनत की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आप बात करो बड़े लेवल पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लेवल पे, तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, आपकी इंटरनेट, आपकी बौद्धिक प्रॉपर्टी जो होती है, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट योर राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज के बारे में आपको एक कॉमन जानकारी देने के लिए एक किताब मेरे हाथ में है जो आपके काफी काम आएगी। यूं तो आपके बी फार्मेसी में भी एक सेमेस्टर के पार्ट में काम आएगा, बट उससे ज्यादा तब काम आएगा जब आप इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे और वहां पे अपने कैरियर के साथ साथ अपना कोई अगर योगदान दे रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं या कोई भी ऐसी रिसर्च जगह पे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को जो आपकी है उसको प्रिजर्व करने में बेसिक जानकारी देगी। तो इस बुक में मैंने कोई भी बुक मार्क नहीं लगाए हुए हैं आज, क्योंकि मैं रैंडम आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये किताब कोई सिलेबस का टॉपिक वाइज फ्लक्चुएशन कर सकने वाला ऐसा नहीं है। इसीलिए तो आज की जो किताब है उसका नाम आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और ये इसका थर्ड एडिशन है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस इन्वॉल्व होगा। इस किताब के जो राइटर हैं वो है बैया सुब्बा राव एंड पीवी अप्पा जी। इसको पब्लिश किया है आपके लिए वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशन हाउस इन फार्मास्यूटिकल साइंस, दैट इज फार्मा मेड पब्लिकेशन, जिसके ऊपर काफी सारे बुक्स की जो रिव्यू है वो हमने आपके लिए किया हुआ है। और अगर आप अपने लाइब्रेरी में देखेंगे तो एक मेजर प्रोपोर्शन इसी पब्लिकेशन हाउस का आपके लाइब्रेरी में होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक कंटेंट से। मैं कुछ ही कंटेंट के बारे में बताऊंगा, बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो ऑफिशियल साइट से आपको इसका इंडेक्स और कुछ सैंपल चैप्टर मिल जाएंगे, और अगर आप इसे परचेस करना चाहेंगे तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। कंटेंट के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बाद सेकंड चैप्टर है, सब टॉपिक को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, सेकंड चैप्टर है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट टेरिटरीज एंड कन्वेंशंस, जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग कंट्री में क्या क्या इसके हिसाब से रेस्पेक्टिवली रूल वगैरह होते हैं। चैप्टर 3 है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्लांट वेरिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा वह इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन टू WTO एग्रीमेंट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, मैंने कुछ ही चैप्टर आपको बताए हुए। ओवरऑल अगर कहूं तो ये एक ऐसी किताब है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ आप अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जनरेटेड है वर्जन है जिसको आपने डेवलप किया है उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यह आपको पूरी तरह से बताने के लिए जनरेट हुआ है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जो भी ट्रेडमार्क वगैरह हैं, कॉपीराइट वगैरह है, वो भी एक्सप्लेन किया गया है। जो अलग अलग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप इसमें देखो एक कोई भी एक रैंडम हम पब्लिकेशन पेज पर देते हैं तो पेटेंट वराइटीज,
कॉपीराइट ये सब क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, ये दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, ये सब दिया। द पेटेंट एंड 1970 में जो पेटेंट एक्ट था उसके बारे में आपको ब्रीफिंग मिलेगी कि क्या उसका बेसिक रूल्स था, क्या उसकी शुरुआत थी, कौन कौन से उसके अंदर फॉर्म्स वगैरह आते हैं, समरी कैसे लिखते हैं, उन सब के बारे में आपको यहां पे जानकारी मिलेगी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ यहां पे मिलेगा। अगर मैं इसके आगे बढ़ूं जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सोल्यूशन फार्मेसी के फेसबुक ग्रुप में देखते हैं, सोल्यूशन फार्मेसी टीएम लिखा हुआ होता है। ये कई प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप नाम देखोगे तो उसके ऊपर या तो टीएम लिखा हुआ होगा या फिर आपके गोल सर्कल में आर लिखा हुआ होगा। सो दीज आर बेसिकली अंडर द ट्रेडमार्क। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क के बारे में बेसिक जानकारी दी है, जिसे हम लोग व्यापार चिन्ह पत्रिका बोलते हैं हिंदी में। ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह मतलब आपका अपना एक स्पेसिफिक पहचान। सोल्यूशन फार्मेसी का जो लोगो है वह स्पेसिफाइड है कि भाई ये सोल्यूशन फार्मेसी का लोगो है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। सोल्यूशन फार्मेसी का जो नाम है इसे कोई और यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसे हमें रजिस्टर कराया हुआ है। अगर कोई इसे यूज करता है विदाउट आवर प्रियर परमिशन तो वी आर एक्सेप्टली रेडी और फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर। तो ये आपके लिए एक सुरक्षा देता है कि आपकी क्रिएटिविटी आपके ही पास है। तो ट्रेडमार्क में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो यहां पे फॉर्म दिया हुआ है, हमने भी ट्रेडमार्क अप्लाई किया था और हमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से कई चीजों को आपको इंक्लूड करना पड़ता है कि जैसे इसमें एग्जांपल देखोगे तो हर चीज एग्जांपल दिया हुआ है, कौन कौन सी कंपनी का क्या स्पेसिफिक ट्रेडमार्क है, उनका नाम क्या है। जैसे अगर आप देखो यहां पे एक टेबल है तो इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों के बारे में बेसिक डिटेल। अगर आप एग्जांपल के लिए तो अमूल, तो अमूल का जो सोसाइटीज है रजिस्टर पॉइंट वो यहां पे दिया हुआ है, उसका जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो दिया हुआ है, ट्रेडमार्क का जो ईयर है वो दिया हुआ है। तो अलग अलग फॉर्मेट में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन यहां पर पूरी मिल जाएगी रिगार्डिंग द इंडिविजुअल ट्रेडमार्क। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ट्रेडमार्क को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमको बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो पॉइंट का जो हेडिंग है वो ये है, ट्रेडमार्क प्रोप्रायटर डिटरमिनाइंग अथॉरिटी रेफरेंस ऑफ द केस, और उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक अगर ऑब्जर्वेशन हुआ होगा उसके रेस्पेक्ट में तो यहां पे देख सकते हैं वायलेशन हुआ होगा तो भी आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो हर एक किसी का अपना लोगो है। तो देखिए यहां पे भी आप देखिए रेड चिप का बाकी सब चीजों का यहां पे लोगो दिया गया है, तो वो लोगो भी रजिस्टर आप करा सकते हैं ताकि कोई दूसरा हूबहू उसको यूज ना कर सके। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जियो मार्क बोलते हैं, जियो टैग, तो वो भी जियो टैग इंपॉर्टेंट है। वो जियो टैग कैसे है, किस स्पेसिफिक चीजों को दिया जाता है। भौगोलिक उपदर्शन पत्रिका जनरल के बारे में बात करें तो यहां पे पूरा उनका जो टाइप है सब टाइप दिया हुआ है। एक प्रकार से अगर कहा जाए कि ये जो आपका किताब है वो आपको आपके राइट को कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है, कैसे रखना है और कैसे अप्लाई करना है, इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। नंबर वाइज जीआई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है और उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशन डिटेल भी दिए गए हैं कि अगर आप एप्लीकेशन उसमें भरोगे तो क्या क्या भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, स्टेटस, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट एड्रेस, डेट ऑफ फिलिंग, गुड्स क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहां पे पूरा फॉर्म दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके रेस्पेक्ट से आपको फिलअप करना होता है। एप्लीकेशन रिजल्ट जब आ जाता है तो उसके बाद आपको परमानेंटली अथॉराइज मिल जाता है कि इसका आप यूज कर सकते हैं। अप्लाई करने से ग्रांट होने के बीच में कुछ ऑब्जेक्शन के लिए ओपन रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो यहां पे डिजाइन को भी रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर आप ग्लासवेयर के बारे में देखेंगे या किसी और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे तो उनके डिजाइन को भी हम रजिस्टर कर सकते हैं और उसको फिर फर्दर किसी और के द्वारा मिस यूज करने या रीयूज करने से रोका जा सकता है। ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक पेज इसका इंपॉर्टेंट है, हर एक चीजों के बारे में आप देखोगे तो आपको कुछ बेसिक जानकारी मिलेगी। इसीलिए हमने इसके ऊपर कोई भी बुकमार्क नहीं लगाया हुआ है ताकि हर एक पेज को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा सके। तो ये छोटा सा बुक रिव्यू है, इसमें पूरी पूरी जो ऑथेंटिसिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, वो सब आपको दिया हुआ है। सेमेस्टर से ज्यादा आपके आगे फ्यूचर में ये आपके काम आएगा ताकि आप अपने फील्ड में एक एक्सपर्टीज को हासिल कर सकें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।